हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल। देखिए, धानी के केस में, धानी का जो फ्रॉड है उसके केस में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मेरे पास कॉल्स और मैसेज आते हैं, अनगिनत। मैं इतने वीडियो भी नहीं बना पाता हूं जितने मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। शायद ये कहने की मैं अपने वीडियो में बहुत रियलिस्टिक बोलता हूँ, कोई बनावटी नहीं बोलता, नौटंकीबाजी नहीं करता हूँ, आपके साथ एकदम फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ, शायद इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया और इसमें आपको ऑडियो भी मैं कुछ सुनाऊंगा। अब इसमें इन्होंने मुझसे एक चीज पूछी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑडियो के थ्रू की इनका जो फ्रॉड है वो क्या कैसे हुआ था, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो, हाँ सर, थोड़ी हेल्प चाहिए सर। हाँ जी, बताइए। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैं सर बिहार से बोल रहा हूँ, बांका डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और क्या नाम? अभिजीत कुमार है। अभिजीत कुमार, यस सर। ठीक है, क्या फ्रॉड हुआ है, कब हुआ है, टाइम बताइए मुझे। टाइम सर 2:42। ठीक है, और कल हुआ है? यस सर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है मुझे वो बताइए। प्रॉब्लम ये है सर कि वो मैं अप्लाइंग ये लोन के लिए जो एड आया था उस पर क्लिक करके उसके बाद वो बोले प्रोसेसिंग चार्ज। एड कहाँ पे आया था, किस जगह एड आया था? इंस्टा पे सर आया था। इंस्टाग्राम पे क्या क्या लिखा हुआ आया था? धनी फाइनेंस लोन। ओके, और आपको लोन चाहिए था? यस सर। तो कितने का लोन अप्लाई किया आपने? 10 लाख का। 10 लाख का, और कितने पैसे दे दिए उसको अभी तक? 13,000 कुछ समथिंग सर। 13,000 दे दिए, और कितने मांग रहा है? और 18,000 मांग रहा है सर। 18,000 और मांग रहा है। ओके, तो अब मेरे से क्या चाहते हो मुझे वो बताओ। सर आपका वीडियो में देखा हूँ यूट्यूब पे सर, मतलब वो लौटेगा सर पैसे पे सर जब? तो जैसा कि आपने सुना इनके ऑडियो में कि इनके साथ धानी का फ्रॉड हुआ, कैसे कैसे करके फ्रॉड हुआ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक समस्या ये है जो उन्होंने मैसेज पे मुझे लिख रखा है कि इन्होंने अपना आधार और पैन कार्ड दे दिया, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि फ्रॉड हो गया सो हो गया, 1,250 रुपए गए, 5,000 रुपए गए, 10,000 रुपए गए, 20,000 रुपए गए, लेकिन मेरे जो डॉक्यूमेंट चले गए हैं उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। तो देखो, आपको मैं एक बहुत सच्चाई बता दूं, आप ये मत सोचना मैं आपको डरा रहा हूं। जो सड़क और गलियों के किनारे आपने देखा होगा ना, कि वो जो स्कूटर लेके या बाइक लेके वो बिक्री करते रहते हैं कि सिम ले लो 30 रुपए में सिम, उस पर 60 रुपए का आपको टॉक टाइम मिलेगा, और इतना सस्ता बिकता है हर कोई बंदा उनके पास चला जाता है, और वो आपसे क्या करते हैं, उंगली प्रेस करवाते हैं, फिंगरप्रिंट पे उंगली प्रेस करवाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस वो फ्रॉड होते हैं, आम आदमी को नहीं। हो सकता है आप मेरा वीडियो में पहली बार चीज सुन रहे हो, फ्रॉड होता है कैसे? जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपका तो सिम निकल जाता है, नया सिम आपको मिल जाता है, 30 रुपए में 60 रुपए का टॉक टाइम भी आपको मिल जाता है, आपका सिम भी चालू हो जाता है, नंबर भी लीगल होता है, कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन जो आपने फिंगरप्रिंट लगाया होता है उसी के बैक टू बैक आपके नाम पर और भी सिम निकल जाते हैं। यहीं से वो बंदे कमाते हैं, वो जो दोपहर गर्मी की धूप में खड़े होकर दोपहर में वो सिम बिक्री कर रहे होते हैं 30 रुपए में, या घंटा वो कमाएंगे, वो इन्हीं सब चीजों से आपका फ्रॉड करके आपका जो सिम कार्ड इश्यू करते हैं इससे वो कमाते हैं, और ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो जो आपने पैसा दे दिया वो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है, जितना बड़ा फ्रॉड ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट पर क्या इलीगल काम करने वाले हैं। नोबडी, कोई नहीं जानता कि वो क्या इलीगल काम करने वाले हैं। आपके नाम पे कहीं लोन लेने वाले हैं, आपके नाम पे कहीं इलीगल सिम लेने वाले हैं, आपके नाम पर कोई रिवॉल्वर खरीदने वाला है, आपके नाम पर कोई इलीगल किसी भी तरीके का कोई काम कर सकता है, कोई होटल बुकिंग करके लड़की को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके नाम पर कोई गाड़ी ट्रांसफर करा सकता है, आपके नाम पर कोई बाइक ट्रांसफर करा सकता है, कुछ भी व्हाटएवर, किसी का मर्डर कर देगा, अपना आई कार्ड की फोटो कॉपी या पैन कार्ड की फोटो कॉपी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी वहां फेंक के चलाएगा, पुलिस आपके घर आएगी। ये सब रियल फैक्ट है, ऐसे होते हैं, हम न्यूज पेपर पे और न्यूज में ऐसे सुनते और देखते चले आए हैं, और ये चीजें ऐसे कामों में यूज की जाती है। भगवान ना करे आपका जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप ये मान के चलिए ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट ना होने का तो मतलब ही नहीं बनता, होने के पूरे चांसेस है। ये अगर आपका लग चाहे तो आप इन सब चीजों से बचे रहें। अभी एक रियल स्टडी जो हुई है गवर्नमेंट ने कराई है, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिम है, जो जैसे जामताड़ा हो गया बिहार में, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, अब तो हर जगह न्यू वीडियो कॉल का स्कैम चलता है, धानी का फ्रॉड चलता है, और भी कई तरह के फ्रॉड चलते हैं, व्हाट्सएप पे जो कॉल आपके पास आता है न्यू वीडियो का, उस तरह के, इन सब में
जो सिम का यूज किया जाता है वो सब इसी तरीके से सिम निकलते हैं। कभी आपने एक सिम लिया दूसरा सिम आपके नाम पे निकल गया। हालांकि मैं ये भी मना नहीं करता कि जो फ्रॉडी लोग हैं वो पूरा डंप का डंप सिम्स निकलवाते हैं, उनको 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का एक सिम पड़ता है, लेकिन उनको साइड बाई साइड इस तरीके से भी सिम मिलता रहता है। तो ऐसी फ्रॉड में मतलब धानी का आपको लोन लेना है या किसी भी आपको बैंक का लोन लेना है तो आप फिजिकल बैंक जाइए, वहां से आप लोन लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा आलस किया कि आप घर बैठे 24 घंटे के अंदर आपको लोन हो जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में पानी तक पीने को नहीं मिलेगा और पानी का गिलास सामने रखा हुआ केवल हाथ तक पटक के रह जाओगे और मर जाओगे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं को अपने आप को ऐसी जगह खड़ा करना जहां सुरक्षित है। कभी भी थोड़े से लालच में या थोड़े से आलस में कभी भी आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप फंस जाए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी का दादा नमस्कार। और चलते चलते ये बता दूं कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप और भी मेरे वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। स्पेशली कुछ मेरे वीडियो जो आपने वो उसके कॉन्टैक्ट नंबर की बेस पर ही बना हुए, तो आप वहां पर जाइए, आपको वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहां से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। प्रेफर करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज अगर करेंगे उससे टाइम ले लेंगे तो हमारा आपका बात करना ज्यादा इजी हो और मैं आपकी बात को सही टाइम दे पाऊंगा और सही तरीके से आपको आंसर। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।